तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, अभी मिया 3 में नवंबर महीने का अपडेट आ चुका है जो कि सिर्फ 33.99 MB का है। और इस अपडेट को परफॉर्म करने के बाद मैं इसे पूरा 24 hours यूज करने के बाद ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। भले ही इस वजह से कम व्यूज आएंगे, बट फिर भी मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बता सकूंगा। तो इस अपडेट के साथ अभी तक कोई भी पुराना वाला बग फिक्स होता हुआ नहीं दिख रहा है और उसके ऊपर एक नया बग भी आ चुका है जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक कुकिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय द वे, अगर आप मिया 3 ये स्किन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर ये मार्वल कॉमिक्स वाला वॉलपेपर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक दे दूंगा। तो इस अपडेट के बाद मिया 3 में नवंबर महीने का सिक्योरिटी पैच आया है और उसके साथ अगर हम कैमरा क्वालिटी देखते हैं तो इस अपडेट के पहले ये जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा था ठीक उसी तरीके से ही चल रहा है। कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। और जो ईयरपीस से साउंड आता है वो भी ठीक ठाक ही है। 3.5 mm जैक से भी साउंड आउटपुट काफी ठीक ठाक ही है। और अगर हम इसके बग्स या करें तो इश्यूज के बारे में बात करें, कॉलिंग के टाइम पे जो स्क्रीन ऑफ नहीं होने वाला इशू है, यानी कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसका काम नहीं करता है जो कॉलिंग के टाइम पे, या फिर काम करता है बट स्क्रीन ऑफ नहीं होता है, ये दोनों में से कोई एक रीजन होता होगा इसके पीछे, वो वाला बग अभी वापस आ चुका है। अभी बहुत टाइम से ये स्टेबल चल रहा था बट इस अपडेट के बाद ये बग काफी ज्यादा इसमें देखने को मिल रही है। और मैंने भी इसे 3-4 बार रिस्टार्ट किया हुआ है अपडेट इंस्टॉल करने के बाद। हाँ, अगर मैं और 1-2 बार रिस्टार्ट करूँ या फिर ऐसा भी हो सकता कि एक बार रिस्टार्ट करने के बाद ये ठीक हो जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और अगर हम फेस लॉकिंग एंड फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करते हैं तो दोनों का स्पीड भी पहले जैसा ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। हो सकता है आपको डिफरेंस मिल सकता है क्योंकि शायद आपने बहुत टाइम से अपने फोन को रिस्टार्ट नहीं किया होगा और इस दौरान रिस्टार्ट होकर आपको स्पीड से रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी। और जो गूगल प्ले सिक्योरिटी अपडेट है वो भी अभी तक 1 अक्टूबर पे ही है। तो बस ये था मेरा रिव्यू मिया 3 में नवंबर महीने का सिक्योरिटी पैच का। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमें सबके लिए लाते रहते हैं।